हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर n नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, n नाम से, और यहां पर इसमें इंटर और नंबर दे दिया, यानी कि वो डेसिमल नंबर आप एंटर करेंगे जो आपको, जिसका कि आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है। फिर यहां पर a नाम का एक वेरिएबल बनाया, एरे की साइज, अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया और इसकी इसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यानी खाली छोड़ दिया इसको। फिर यहां while नाम का एक कीवर्ड लगाया, while एक कीवर्ड है और एक लूप भी है, ठीक है, लेकिन ये जो while लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। और n में रखी हुई वैल्यू जीरो से हमेशा बड़ी होगी, ऐसा तो है नहीं कि हम जो डेसिमल नंबर देंगे वो जीरो एंटर करेंगे, जीरो तो एंटर नहीं करना ना, 10 एंटर करेंगे, 50 एंटर करेंगे, कुछ भी एंटर करेंगे लेकिन जीरो तो नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर डिग यानी डिजिट नाम से एक डिज नाम से बनाया और उसको n को 2 से मॉड्यूलो करवाया, जो रिमाइंडर आएगा उसको डिज में स्टोर करा दिया और फिर a के अंदर अपेंड करा दिया डिज को, समझ में आई बात। और फिर यहां पर देख सकते हैं ये जो है फ्लोर डिविजन ऑपरेटर का यूज किया, ये फ्लोर डिविजन ऑपरेटर है, ठीक है। और फिर यहां पर रिवर्स नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन आता है उसका यूज किया, और एंड का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये मैंने पहले से बता रखा है, और आई को प्रिंट करवाया, आई को। तो जब हम इसको रन करवाएंगे, एक बार रन करवाते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे रन करवाया, तो यहां पर कोई एक डेसिमल नंबर मैं देता हूं, 15 दे दिया डेसिमल नंबर, ठीक है। तो 15 जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां देखिए 4 × 1 आ रहा है। अब इसकी क्या कहानी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको दिखाता हूं। ये 4 × 1 आ रहा है तो क्या पता ये गलत हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूं ये गलत है या सही है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, ये देखिए यहां से मैं कर लेता हूं, ये देखिए ये है ना, तो यहां से कैलकुलेट करना है 15 का बाइनरी कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो यहां पे 15 हमने लिख दिया, ये लिख दिया 15, बहुत आसान है, 2 से इसको डिवाइड करिएगा, जो शेष बचे जो रिमाइंडर बचे उसको साइड में लिखिएगा। कैसे लिखना है दिखाता हूं, यहां हो जाएगा 2 × 7 = 14, 7 टाइम में डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अच्छा देखिए ये यहां पे मैं दिखाता हूं, 15 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 15 लिखा और यहां पे लिखा 2, अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कितनी बार में डिवाइड होगा ये, हाँ बिल्कुल 7 टाइम में जाएगा और यहां हो जाएगा 14, ठीक है ना। तो जो 7 टाइम में गया है वही मैंने वहां पे लिखा है और रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 में से 4 जाए 1 और ये कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर आया उसको यहां लिख दिया और बाकी जितनी बार में गया उसको यहां नीचे लिख दिया, देख सकते हैं ये, ठीक है। अब यहां फिर 2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, तो 2 × 4 = 8 होता है, लेकिन 2 × 4 = 8 तो हमें लेके आना नहीं है, 8 से कम रहेगा, तो 2 × 3 = 6, ठीक है, 3 बार में जाएगा और 6 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 यहां लिख देते हैं। फिर 2 से इसको डिवाइड कराएंगे, ठीक है ना, तो 2 × 1 = 8, अब एक बार में जाएगा, दो बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि दो बार में तो 4 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा, एक बार में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो यहां 1 लिख देंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा, जैसे यहां पे 3 है तो 3 को 2 से आप डिवाइड कराइए, देखिए यहां पे डिवाइड करा के देखिए, यहां 2 से डिवाइड कराइए 3 को, तो यहां 2 × 1 = 2 हो जाएगा और यहां जब रिमाइंडर देखेंगे तो यहां देखिए ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर कितना बचा है, r कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, तो यही 1 हमें यहां पे लिख देना है, समझ में आई बात। अब ये 4 × 1 आया कि नहीं आया, यहां से लेके चलिए और यहां तक जाना है आपको, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहां से शुरू करिए, ये जो है ना 1, यहां से 1, फिर ये 1 है, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 है तो फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 है तो फिर ये 1 हो गया, बना दिया, यहां पे बेस क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर भी सेम वही आया हुआ है, 4 × 1 आया हुआ है। चलिए दूसरे को एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब इस प्रोग्राम को मैं क्लोज करता हूं, ये जो आउटपुट आया, अब यहां से फिर वापस से, ठीक है, तो यहां से चला दिया इसको। अब देखिए अब यहां पर मैं एंटर करता हूं 56, ठीक है, तो 56 का जैसे ही एंटर किया तो यहां पे देख सकते हैं 3 × 1 = 3 × 0, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। आप मुझे चेक करके बताइएगा कि यही आंसर आ रहा है या नहीं, उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा।